ऑल राइट वेरी वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम और स्वागत है आपका न्यू इंडिया वाले चैनल में। तो आज हम आए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर भाई ऑल ओवर इंडिया जो चीज़ भैया खिलाने वाले हैं वो कहीं पर नहीं मिलती है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं भैया के पास और देखते हैं क्या खिलाने वाले हैं, वो कैसी चीज़ होने वाली है जो केवल उन्हीं के पास ही मिलती है। वे चलते हैं सीधा। और भैया कैसे हैं? बस बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या 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 मिलता है अपनी शॉप पर पहले ये बताइए। अपने पास दाल पकवान का काउंटर है, यहाँ सात वेराइटी अपने पास में रेगुलर दाल पकवान है, चूर दाल पकवान है, बाउल दाल पकवान है, मुश्का दाल पकवान है, इसको रवि का पता चला है, दही पूरी एंड दाल पकवान का कॉम्बिनेशन है, फिर चीज़ दाल पकवान है, चीज़ मुश्का है, और एक और वेराइटी हमारे पास अतरंगी दाल पकवान, ये आपको ओवरऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। इसमें एक ही दाल पकवान में आपको तीन टेस्ट मिलेगा, पिज्ज़ा का 100% आएगा, दाल पकवान का 100% आएगा, साथ ही टेंगी फ्लेवर आता है सर इसमें। तो भैया आप सबसे पहले हम लोग को क्या टेस्ट कराने वाले हैं? सर आज आप फर्स्ट टाइम आए तो आप अतरंगी ट्राई कीजिए एक बार, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा अतरंगी। जो आप गारंटी कर रहे हो कि ओनली ऑन इंडिया ही में आपको मिलेगा और कहीं आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा ना कोई ऐसा बनाने मिलेगा। ये आपकी खुद की डिश आपने कहाँ से सीखी है? सर ये ट्रेडिशनल तो हिंदी डिश है दाल पकवान, बाकी जो वेराइटीज़ है ये हम लोगों ने कस्टमर फीडबैक के बेस पर ही वेराइटी यहाँ पर लेकर आए हैं जी। तो भाई अभी देखते हैं हम लोग को भैया का दाल पकवान कैसे होने वाला है। और भैया ने बड़े ही मतलब ऐसा बोला है कि ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा, तो भाई अलग से मुंह में पानी आ रहा है। और देखते हैं भाई इसकी मेकिंग कैसे होने वाली है। तो भाई चलते हैं। तो भाई यहाँ पर जैसे चने की दाल अपनी बॉयल हो चुकी है, ये पूरी बॉयल हो चुकी है दाल, इसमें ये क्या डाल रहे हो भैया? ये हिंग का पानी है सर। ये हींग का पानी आप डाल रहे हो उसमें टेस्ट अलग ही लाने के लिए। जीरा डाल दिए, अब ये जीरा पूरा ताज़ा हो जाएगा सर अपना, ये जीरा पूरा करेंगे अपन। हाँ हाँ, अभी ट्रेडिशनली जब ये घरों में कढ़ी बनती है जी, तो देखा होगा आपने कि जो भी बड़े बुजुर्ग अपने हैं वो बिल्कुल जीरा जला के लगाते हैं तड़का। हाँ, तो इसलिए हम जीरा पूरा जल लाते हैं ताकि इससे एक अलग टेक्स्चर आता है सर जीरे का। तो ये जीरा जो है ये पूरा तरीके से मतलब जल जाएगा, पूरा काला हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा, तो इसका अलग ही टेस्ट होने वाला है और पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। A few moments later. तो भाई यहाँ पर हो गया हमारा जीरा काला पूरी तरीके से, भैया ने अभी जैसे देखा, तो अब लगने जाएगा तड़का। भाई आप तो देख ही सकते हो कैसी अलग बाहर निकल रही है। भाई यहाँ पर लगा है तड़का, आप देख सकते हो कितनी तेज आग हुई है एकदम से और ख़तरनाक वाली। तो यहाँ पर जो इनकी दाल है भैया की उसमें लग चुका है बगाश, आप देख सकते हो जीरे का फ्रीबेंस, जीरे का एक टेक्सचर अलग ही आ रहा होगा आपको। हाँ, अलग सी खुशबू आ रही है भाई, एकदम मज़ेदार वाली। लगने जा रहा है हमारा दाल पकवान। ये पकवान रखा है सर अपन ने, पकवान भी आप देखेंगे तो जनरली मार्केट में जो पकवान मिलता है उससे डिफरेंट मिलेगा मेरे यहाँ का पकवान आपको। एक क्या डाल रहे हो भैया? ये लिक्विड चीज़ है सर, लिक्विड चीज़ जी हाँ, मसाले एडेड है इसके अंदर, मतलब आपके जो पर्सनल मसाले हैं होम मेड वो वाले मिक्स हैं जी। हाँ सर, ये मसाला डाल दिया आपने, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग सर, पिज़्ज़ा सीजनिंग जी। ये एक बेस हो रहा है पकवान का सर, मतलब डबल पकवान डबल बेस्ट रहता है सर। ये क्या है? ये तंदूरी सॉस है, ये इमली और कबीर की चटनी सर, ये मार्केट वाली है होममेड वाली? होममेड है सर।
तंदूरी मार्केट का है, सॉसेज सारे होममेड है। ये धनिया पुदीना डाला इसमें तुमने, यहाँ पर गर्मा गर्म एकदम दाल। ये सर अपना दाल में, ये दाल पकवान मसाला होममेड है, चाट मसाला है, जीरा वन, अमचूर पाउडर। ये तो भाई इंदौर की फेमस चीज़ है, इंदौरी केसर। इंदौरी केसर जो इंदौर की जान कहा जाती है, इंदौर के हर खाने में आपको सेव मिलेगा। हाँ ये बात मैंने देखी है इंदौर में कि हर चीज़ में शो ऐड है, इंदौर की जान है शो। पिज़्ज़ा बोलूँ या फिर सिंधी पिज़्ज़ा बोलूँ या फिर दाल पकवान बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन भाई जो भी है काफ़ी अलग है। जो इंडिया में भैया ने बोला कि इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको करते हैं जल्दी से टेस्ट और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। पहले ही बाइट में बहुत ज़्यादा एकदम कुछ अलग, मैंने तो ऐसा आज तक नहीं खाया। बाकी भैया जो बोल रहे थे ऑल ओवर इंडिया नहीं मिल सकता, भाई अब तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया आपको ये वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा मतलब पिज़्ज़ा का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब उसमें तीन चार पाँच तरह के टेस्ट आ रहे हैं। पिज़्ज़ा का भी आ रहा है, दाल का भी आ रहा है, चीज़ का भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं एक और बाइट लेना चाहूँगा। तो भाई यहाँ पर अब श्रेयन टेस्ट कर रहा है, भाई खाने तो दो चैन से, भाई चैन से ही खा ले तू। कैसा टेस्ट है? कुछ तो बात है, काफी मतलब अलग ही फाइव टेस्ट ऐसे लग रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं इफेक्ट के। पिज्जा फेल है भाई इसके आगे, पिज्जा फेल है, पिज्जा फेल है सच में कसम से। मतलब जो इन्होंने डबल लेयर्स लगाए हैं ना इसके नीचे, हाँ
जो दाल पकवान के मेन, वो बहुत यहाँ पे इतने कड़क हैं और क्रिस्पी हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि दो लेयर्स लगे हैं यहाँ पर। और इन्होंने जो ऊपर से जो चीज़ डाला है भाई, मतलब वो अलग ही लेवल लग रहा है। बस भाई रिकॉर्डिंग बाद में कर लेना, खा लें दो अब मैं।